नाजरीन, सदाकत न्यूज नेटवर्क में कैसर रजा हुसैनी का सलाम। आइए आपको एक खास खबर की तरफ मुतवज्जो। पहले वहाँ पर जो है ना रिलेटिव बैठे होंगे, एक बार उनसे भी बात कीजिए, उनको पता है वहाँ पर वो बोल रहे एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डायलिसिस में भी अवेलेबल नहीं। आप खुद यहाँ तक आए मैडम, तो मैं वो रूम में भी जाइए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रस्तुति गुरु होता ना तिकड़ा लोकांना खूप चांगली सुविधा मिळत होती। आमच्या इकडे जे कोलीवाड्यात जे प्रसिद्धीगृह होतं ना, तिथे लोकांना चांगली सुविधा मिळत होती, म्हणजे लोक खुश होते, नागरिक खुश होते, त्यांना चांगली तिथे हे होत होतं, थोडी अडचण होत होती पण होत चांगली हे होत होती। पण इकडे आल्यानंतर ना तुम्हाला सांगतो की काही नाही, मॅडम बंद करून टाका, नाही तर तुम्ही फुल स्प्लेश मध्ये चालू करा, नाही बंद करून टाका। डिस्पेन्सरी जो वहां चालू थी ना स्टेशन के पास, इसको वापस से वहीं शिफ्ट कर दो ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग ही हुई है, यहाँ पर उसके अलावा ना कोई डॉक्टर आया ना कोच आया हुआ है, तो बेहतर है कि ये आपकी पुरानी जगह पे चले जाए वापस, बंद ही कर दो, यहाँ पर सिर्फ मेटरनिटी चालू है। पालिका में भी बैठते थे तो कैसा ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, क्या अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, क्या कर रहे थे आप लोग? अभी उन्होंने यहाँ के अपने हॉस्पिटल के जो उपायुक्त तो है शायद उनसे कुछ बात किए और उन्होंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट दो मत, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप स्टेटमेंट दो मत, लेकिन यहाँ इतने टाइम के बाद आप आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है। मैं कल उनको बात किया था कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल में कल परसों हादसा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर पूरी जो क्या हुआ है क्या ना उसकी पूरी जांच करके वो हिसाब से वो आज आए हैं, लेकिन वो ठीक है कि अगर मीडिया को अगर सामने कुछ मीडिया के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते तो बात अलग है, लेकिन वो उनका लुकआउट है, लेकिन ये बात जरूर उजागर होगी। ये जो मैडम आई क्या नाम है इनका? इनका चेतना मैडम है, ये डॉक्टर चेतना है, ये हमारी ठाणे महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी। कल मैं इनसे बात किया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हादसा हुआ है और इस हादसे की पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन अपने मुमरा का जो आरोग्य केंद्र था कोलीवाड़ा का, उसमें पहले जो ये जब चलता था प्रसूति ग्रुप, तो इसमें पांच पांच आरओएम रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद एक आरएमओ यहाँ पर मैनेज कर रहा है, तो एक आरएमओ कैसा मैनेज कर सकता है? वो भी सुनने आ रहा है छुट्टी पे है, कौन वो जो छुट्टी पे है जो इंचार्ज है यहाँ के? तो वो अभी सब देखेंगे, अभी क्या है, अभी वो रिपोर्ट अपने को ये करेंगे क्या किया है उन्होंने, उनके इसमें क्या निदर्श में आता है, वो हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे क्या करने का, फिर कमिश्नर साहब को जाके मिलेंगे कि बाबा इसमें यहाँ पर जो हमारे लोगों से ये, लेकिन लोगों की जान जा रही है, जो अधिकारी आ रहे हैं वो बात करने को राजी नहीं है, मुंह छिपा के घूम रहे इधर, तो अभी देखते ना, अभी बात करते ना उनको, अभी वो बोले कि कुछ बात करते हैं अभी, नहीं तो अपन देख लेंगे घेर लेंगे। आज तक ये कभी दिखे नहीं हॉस्पिटल में, परसों ये इंसिडेंट होने के बाद आज ये इतनी टाइम बाद यहाँ पर आई है, तो ये कुछ तो यहाँ से हुआ है तभी आई है ना यहाँ पर। अब उनके ऑब्जर्वेशन में क्या आया हमने उनको पूछा, बताने का नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन के जो मामले के चक्कर में सबकी जानों पे जो सत्ता खेला जा रहा है ना इस हॉस्पिटल में, कि मतलब 8-10 लोग का एडमिशन होगा उसमें से 2-8 ही जिंदा बचेंगे 2 मर जाएंगे, ये इन लोग सत्ता खेल रहे हैं हमारी जिंदगियों के साथ,
तो ऐसी जिंदगी ऐसे हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं है। तो ये हॉस्पिटल को हम तो बोल रहे हैं बंद हो जाना चाहिए। मैडम आ रही हूँ, आने दीजिए। मैंने तो इनसे कितनी बार सवाल किया, वो कुछ पब्लिकली बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैडम सिर्फ लास्ट मैडम रीजन बताइए। अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा वो तो बता के जाइए मैडम। आपका ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन कुछ तो बताइए। ऑब्जर्वेशन आप जिम्मेदार है मैडम। एक सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ने भाई अंदर क्यों नहीं आ सकते? वो छुपा के जा रहे हैं। आज के आपकी लापरवाही की वजह से जो किसी की जान गई है, तुम लोग रोक रहे, क्यों रोक रहे फिर? मैडम आप सबकी लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है, क्या कहेंगे आप? क्यों मुँह छुपा के जा रहे हैं आप? मैडम बताइए ना, इससे पहले भी और जाने गई है, उसकी जिम्मेदार कौन है मैडम? जिम्मेदार कौन होगा उसकी मौत का? जिम्मेदार कौन है मैडम? यही लोग हैं, ये मैडम है, मैडम की स्टाफ है। कुछ तो बोल के जाइए, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन के लिए आए हुए थे। आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपको जिम्मेदार नहीं है। नहीं लेकिन अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है, मी तुम्हाला काल यासाठी फोन केला की इथे जी घटना घडली त्या संदर्भात तुम्ही मला काहीतरी हे द्या। तुम्ही असं न बोलता डायरेक्ट निघून जातो त्यांना। हॉस्पिटल इम्पॉर्टंट आहे, पेशंट की जान गई वो सस्ता आहे। और अब जब ये घटना सामने आई तो आप लोग राजनीति करने आ रही है, ऐसा आरोप लगाया। देखो हमारे आयुष्य में हम लोग ने, हमारी जिंदगी में हम लोग ने कभी राजनीति की नहीं। हम लोग ने जनहित में ही जो कि कुछ करने का वो किया है। अभी किसी को मालूम, अभी कोई कोई नए सब लोग आए हैं, अभी मेरे को किसी को बोलने का अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन किसको क्या बोलने का है ये पूरा हमारे संविधान ने अधिकार दिए है। कोई क्या बोले उसका हमको उससे कुछ लेना देना। ऐसा कहना कि अगर आप लोग इसके हॉस्पिटल के लिए सही काम किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे सही, अभी ये हॉस्पिटल ही बना है हमारी वजह से, इसके लिए हमने ये किया है, योगदान दिया है। जब इसका 2007 में जब ये हॉस्पिटल का जगह का ये करने का था, मुआयना करने का था, तो मैंने आरोग्य अधिकारी और शहर विकास के जो एडीटीपी रहते हैं, सर संचालक नगर रचना के, उनको लेके आके ये जगह का मुआयना किया था। और ये रिजर्वेशन को मैंने उस वक्त किया था। मैं किधर जाता नहीं क्रेडिट लेने के लिए कोई के मैंने ये बनाया मैंने वो बनाया, मैं कभी ये नहीं करता। मेरे पास प्रूफ रहता है तो मैं बोलता हूँ। मैं वो हवामान खाते का अंदाज से कभी बोलता नहीं हूँ। हवामान खाते का अंदाज रहता है ना, कल बारिश गिरेगी परसों बारिश, वैसा नहीं। मैं पूरा एकदम दावे के साथ में रहता मेरा। और मैं कभी कोई चीज के लिए कभी राजनीति करने को आता नहीं। मेरे को उनके रिलेटिव ने मेरे को कल बुलाया और क्या हो रहा है वो पूरा मैं देख के, अभी कोई भी काम जज्बात से लेना जरूरी नहीं, कि जगह पे कोई डिसीजन होना जरूरी नहीं। कोई भी चीज का एक यह रहता है, अगर उनको भी जो प्रशासन है उनको भी अपने को टाइम देना जरूरी है। आप उनको उनकी चौकसी कर, जो हो रही है चौकसी उसमें उनको क्या निदर्शन में आता है वो अपने को देने का बात किया उन्होंने। अगर वो होने के बाद अगर कुछ उन्होंने अगर उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया है तो उसके बाद में देखेंगे ना हम क्या करने का। हमको मालूम है ना राजनीति करने का कि समाज सेवा करने का, ये हम लोग को मालूम है। हमने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की हमारे। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।